अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी प्लांट्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेजम्बरी एंथिमम, जिसे आइस प्लांट भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत और आसानी से उगाया जाने वाला फूल है। इसको हम इंशाल्लाह बीज से लगाएंगे। ये मेरे हाथ में मेजम्बरी एंथिमम के बीज हैं। बीज इसके साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन उगते माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और आसानी से हैं। 6 इंच के इस गमले में हम बीज बिखेर देंगे और पहले इंशाल्लाह पनीरी तैयार करेंगे। बीजों को ज़्यादा गहरा नहीं करना होता। इनके ऊपर अब मैं बिल्कुल एक हल्की सी कोकोपीट मिक्स की लेयर दूंगा और साथ बारीक स्प्रेयर से इनको मॉइस्ट कर दूंगा। अठारहवां दिन है। आइस प्लांट के पौधे सकुलेंट टाइप होते हैं और इनके जो पत्ते होते हैं ये मोटे मोटे होने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा ये मज़ीद बड़े होते हैं, फिर इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। 29वां दिन है। माशाल्लाह से अब हमारी पनीरी का साइज़ काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब इसको शिफ्ट करेंगे, पौधों को अलग-अलग लगाएंगे। चालीसवां दिन है। पौधों की अब जैसे जैसे रूट्स नए गमलों में लगती जाएंगी, इनकी ग्रोथ और अच्छी और तेज़ होती जाएगी। 75 दिन तकरीबन हो गए हैं। मेजमरी पे खूबसूरत फूल आ रहे हैं। मेजमरी का जो फूल है, इस तरीके से पतली पतली पत्तियों वाला होता है और ये सूरज के साथ ओपन होता है। अपनी पतली पतली पत्तियों और खूबसूरत रंगों के साथ ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और इनको उगाना भी बहुत आसान है। धूप वाली जगह पे ये अच्छे उगते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये मजम्बरी फ्लावर्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हैप्पी प्लांट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर बात होती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।